हाँ जी, तो आज के वीडियो में आपको बताएंगे हम पांच ऐसे रीजन जो बनाते हैं टोयोटा हाईराइडर को एक अच्छी गाड़ी, और क्यों आपको एक खरीदनी चाहिए, और एक या दो रीज़न ऐसे ही बता देंगे लास्ट में जो इसका हम नेगेटिव मान सकते हैं, वीकनेस मान सकते हैं। तो पहला रीज़न जो इस गाड़ी को खरीदने का है वो बड़ा सिंपल रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि अगर आप पीछे बैठना पसंद करते हैं, हमेशा आप चाहते हैं मैं हमेशा ही पीछे बैठा रहूं, तो ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी अच्छी है। एक तो इसमें स्पेस अच्छा मिल जाएगा आपको, रूम भी अच्छा है, हेडरूम भी अच्छा है, लेकिन यही बात इसे अच्छा नहीं बनाता। सीट कम्फर्ट भी अच्छा है, कुशनिंग अच्छी है, एम्बियंस अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, और साथ ही साथ गाड़ी की चौड़ाई भी ज़्यादा है, तो तीन लोग इस गाड़ी में आराम से बैठ सकते हैं। जेनुइनली थ्री सीटर है, काफ़ी गाड़ियाँ कहती हैं थ्री सीटर है पीछे, लेकिन उसमें दो लोग भी बड़ी मुश्किल से फंस के बैठते हैं, तो ये एक्चुअली थ्री सीटर है। और एक अच्छी बात ये भी है इस गाड़ी के अंदर कि आपको इसके अंदर यहाँ पे USB टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिलता है, और साथ ही साथ ओल्ड स्कूल का USB भी मिलता है, यानी कि आपके पास अगर नए डिवाइस हैं तो आप USB टाइप सी अगर आप इसमें लगा सकते हैं। दरवाजे काफ़ी बड़े हैं और दरवाज़ों के साथ शीशे भी बड़े हैं, तो चढ़ने उतरने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। दरवाज़ा जो एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, काफ़ी बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो बीच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये हर सीट से अच्छे से दिख जाता है, चाहे बिस्तर बैठे, चाहे बीच में बैठे। और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको पता रहता है कि गाड़ी कौन से पावर पर चल रही है, पेट्रोल पावर पर, EV पावर पर, कितनी रेंज रह गई है, और बहुत सारी इस टाइप की इन्फॉर्मेशन, तो आपको लंबे सफ़र पे जब निकलेंगे फोरियत कभी नहीं महसूस होगी। ये भी एक अच्छी चीज़ है इस गाड़ी की। तो जनरल माहौल, जनरल फिट एंड फिनिश, जनरल कैबिन एम्बियंस और बैक सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है इस गाड़ी का, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस एंड द फर्स्ट रीज़न व्हाई यू शुड कंसीडर बाइंग इट। अब दूसरे रीज़न के लिए आगे चलते हैं, फिर आपको आगे चल के वो बताते हैं। हाँ जी, तो दूसरा बड़ा रीज़न इस गाड़ी को लेने का सिंपल रीज़न है, और वो ये है कि जो गाड़ी है जो टोयोटा हाईराइडर है, खचाखच फीचर्स से भरी हुई है। और फीचर्स की बात नहीं, फीचर्स की बात पहले कर लेते हैं हम। फीचर्स अगर हम बोले तो बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, कूल फ्रंट सीट्स मिलती है, डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, साथ ही साथ बड़ा टच स्क्रीन मिलता है इसमें, एप्पल कारप्ले वगैरह मिलता है आपको, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, डिजिटल गेजेस। टेक्नोलॉजी की बात करेगा तो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत बेहतरीन गाड़ी है। हाइब्रिड सिस्टम जो है ये टोयोटा ने ही लॉन्च किया था, और इनिशियली इलेक्ट्रिक कार्स, हाइब्रिड कार्स टोयोटा ने ही इंटरनेशनल मार्केट में उतारी थी, सो दे आर द पायनियर्स ऑफ दिस, एंड नाउ फाइनली दे लॉन्चिंग इट इन अ रिलेटिवली अफोर्डेबल सेगमेंट। बहुत अफोर्डेबल तो नहीं कह सकते इस गाड़ी को, लेकिन रिलेटिवली अफोर्डेबल है। प्राइस इस वक्त हमें मालूम नहीं है, लेकिन 18-19 लाख के आसपास रहने वाले इस पर्टिकुलर वर्जन की प्राइस। तो ये सब चीज़ें बनाती हैं इसे खास, कैबिन को खास, और ना सिर्फ फीचर टेक्नोलॉजी, क्वालिटी अच्छी है, कम्फर्ट अच्छा है, फ्रंट सीट्स के अंदर कुशनिंग और पैडिंग काफ़ी अच्छी लगा रखी है, और जनरली दी एम्बियंस जिसे कहते हैं कि एक पॉजिटिव वाइब कैबिन के अंदर आती है, विच डेफिनेटली गिव्स यू अ ग्रेट सेंस ऑफ लग्जरी एज वेल। सो दैट्स अनदर बिग रीज़न व्हाई यू शुड कंसिडर बाइंग द टोयोटा हाईराइडर। अब बाकी रीजन के लिए चलिए गाड़ी चला के देखते हैं, और सारी रीजन आपको गाड़ी चलाते हैं एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी, एक और बड़ा रीजन गाड़ी को लेकर, इसका स्वैग फैक्टर, जो इसका स्वैग है, जो रोड प्रेजेंस है, जो स्टाइलिंग है, सबसे अलग है। मेरे हिसाब से गाड़ी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है बाहर से, चाहे आप बात करें इसकी बड़ी ग्रिल की, चाहे आप बात करें इसके क्रोम की बार की, या आप बात करें इसके लैम्प्स की, या फिर इस क्रोम की बात करें, सब चीज़ों में इसका डिज़ाइन, इसका स्टाइल, इसका स्वैग सबसे वखरा है, सबसे अलग है। और जब ये गाड़ी रोड पर चलेगी तो ना सिर्फ सामने से बल्कि पीछे से भी देखने में सबसे अलग लगती है, यूनिक लगती है, मॉडर्न लगती है। और जो इसकी कज़न गाड़ी है, या फिर कह लीजिए जो इसकी सिस्टर है ग्रैंड विटारा, उससे भी काफ़ी फ़र्क है। पहले लोग काफ़ी कंप्लेंट कर रहे थे कि अर्बन क्रूज़र और ब्रेज़ा और साथ ही साथ जो इनकी लांजा थी वो बिल्कुल बलेनो की तरह लगती थी, गाड़ी को ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन इस गाड़ी की जो पर्सनैलिटी है बहुत फ़र्क लगती है, यूनिक लगती है ग्रैंड विटारा से, और फेस काफ़ी अलग है। तो स्वैग के मामले में, स्टाइल के मामले में, ओवरऑल पर्सनैलिटी के मामले में टोयोटा के डिज़ाइनर ने अच्छा काम किया इस गाड़ी को लुक अलग देने का। डेफिनेटली इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस काफ़ी सॉलिड है, और एक और बड़ा रीज़न है इस गाड़ी को लेने का। Well, तो इसका अगला रीज़न गाड़ी लेने का है इसका राइड कंफर्ट। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं ओवरऑल राइड कंफर्ट की, तो जो हाई राइडर है ये राइड के मामले में बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। इट्स अ कार व्हिच विल डेफिनेटली पुट अ बिग स्माइल ऑन योर फेस, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट डाल देगी ये। और राइड का मतलब यही नहीं कि सिर्फ शहर में चलाने में अच्छी है, हाईवे पर भी काफ़ी स्टेबल गाड़ी है, आपका दिल खुश हो जाएगा। और जब आप बैठेंगे इस गाड़ी में, जब आप चलाएंगे इसको, तो आप हमेशा कंफर्टेबल रहेंगे। सस्पेंशन की सेटिंग, स्टेयरिंग की सेटिंग,
और ओवरऑल इस गाड़ी के ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत ही लाजवाब है, दिल खुश करने वाले डायनामिक्स इस गाड़ी के. सो दैट्स अनदर बिग रीजन व्हाई यू कंसीडर बाइंग इट, स्पेशली इफ यू आर समवन जो हाईवे पर जाता रहता है, जो हमेशा कहता है मुझे हाईवे पर ही रहना है, मुझे हाईवे का शौक है और हाईवे पे मेरा काम ज़्यादा होता है. वहाँ पर भी आप काफ़ी खुश रहेंगे. एनीवेज इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अगले रीजन की, तो वो रीजन है इसका फ्यूल एफिशिएंट इंजन. जी हाँ, अगर आप हाइब्रिड सिस्टम वाली गाड़ी लेते हैं तो हाइब्रिड सिस्टम इस गाड़ी का बहुत ही बेहतरीन है. 27 kpl की एक्चुअल फ्यूल कंजम्पशन ये कह रहे हैं. और हमने जब चलाई ये गाड़ी बैंगलोर के बाहर हाईवे के ऊपर, तो करीब करीब 22-23 की माइलेज दी है हमारे को ऑन दी ऑनबोर्ड ट्रिप कंप्यूटर, जिसका मतलब ये है कि 27 तो आइडियल टेस्ट फॉल कंडीशन में देगी, लेकिन 22-23 भी इज नॉट बैड कंसीडरिंग दैट वी आर ऑन द हाईवे. इट्स अ बिग कार, इट्स अ बिग एंड हैवी कार, इट्स नॉट अ स्मॉल कार. ऑल्टो की गेन फ्यूल एफिशिएंसी 24 के करीब है और वो भी 19-20 ही देती है सिटी में, और हाईवे पे 20-21 दे देगी. तो ये गाड़ी ऑल्टो को टक्कर दे रही है इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल. उसके अलावा और कौन सी बात है जो इस गाड़ी को बनाती है बेहतरीन लेने लायक? वेल, दिस कार कम्स विद टोयोटा बैज, ट्राइड एंड टेस्टेड बैज है. और टोयोटा बैज होने का मतलब ये है कि आफ्टर सेल्स सर्विसिंग एज वेल एज ओवरऑल वारंटी एक्सपीरियंसेस के मामले में टोयोटा विल ऑलवेज ऑनर द कमिटमेंट. एंड बीइंग अ टोयोटा आल्सो मींस दैट रीसेल वैल्यूज विल बी स्ट्रांग, स्पेशली फॉर पीपल हु कीप देयर कार्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम. अगर आप 2.5 साल रखते हैं गाड़ी, 3 साल रखते हैं, तो रीसेल वैल्यू डेफिनेटली आपको अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि टोयोटा की रीसेल वैल्यू हमेशा ही अच्छी होती है. एंड ऑफ कोर्स टोयोटा आल्सो हैज देयर ओन ब्रांड यू ट्रस्ट फॉर यूज्ड कार्स. सो इफ यू आर समवन हु वांट्स टू सेल हिज कार एंड अपग्रेड हिज कार, बाय समथिंग एल्स एंड अपग्रेड टू समथिंग एल्स सून, देन यू विल आल्सो एंजॉय द ओवरऑल एक्सपीरियंस दैट यू गेट ओवर देयर. क्योंकि वहां जाकर जब गाड़ी एक्सचेंज करेंगे तो आपको काफी बेहतरीन वहां पे रिजल्ट मिलेगा, पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे और पैसे के साथ साथ आपको वहां जाके एक एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा. सो दैट्स अनदर बिग रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर बाइंग इट. And apart from all this, I'll give you one extra reason why I should consider buying it. And that reason, of course, is that it'll stand out from a crowd. Everybody will not have it, क्योंकि जो इसकी sister car है, जो Grand Vitara है, obviously Maruti is a big volume player, तो वो गाड़ी सबके पास रहने वाली है, सबके पास होगी, काफ़ी ज़्यादा बिकेगी वो गाड़ी. This one is slightly हटके, slightly different, and it will not be available with everyone, और सब लोगों के पास नहीं. So if you want something which is slightly different from the usual, सब लोगों के पास ना हो, थोड़ी अलग गाड़ी हो, तो डेफिनेटली ये गाड़ी आपको देखनी चाहिए. एंड आई थिंक दीज वेरी जेन्युइन प्रोज एंड कॉन्स टू बाय दिस कार. आई थिंक मैंने आपको ज़्यादा प्रोज ही बताए, कॉन्स तो कोई खास बताया नहीं. तो कीप दिस थिंग्स इन माइंड. आई थिंक कॉन्स अब ये कह सकते हैं कि इसका स्टिकर प्राइस थोड़ा सा महंगा है. थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हाँ, इट्स स्ट्रेचिंग बी ऑन द बजट, या फिर यू नो मुझे लग रहा था थोड़ी सस्ती हुई गाड़ी, 1-1.5 लाख मुझे लग रहा है थोड़ी महंगी हो गई है. किसी किसी वेरियंट्स में 70-80 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है. बट रिमेंबर अगेन, फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से, टोयोटा के ब्रांड के हिसाब से, पीस ऑफ माइंड फैक्टर के लिहाज से, यू नो इफ यू आर पेइंग अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा, यू गेटिंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, नॉट ओनली जस्ट द कार बट द अदर थिंग्स व्हिच गो अलोंग विद इट, जो काफ़ी लोग भूल जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते. सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो समथिंग व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड एंड टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स बिफोर मेक अ बाइंग डिसीजन. सो एक्सेप्ट द प्राइस, आई थिंक एवरीथिंग एल्स इज टोटली जस्टिफाइड, very good and something to be happy about. Anyways, agar aapne video yahan tak dekha hai to please like, share and subscribe, and also tell all your friends about our channel. See you guys.